मैंने तुमसे शादी करी है, मेरा तुम पे पूरा हक है। आपने मुझसे शादी की है पर मैं आपकी जागीर नहीं हूं। यह कहानी है एक महिला की जिसने हर लड़की की तरह शादी के सपने देखे थे, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें संजोई थी, अपने हाथ पीले होने का बेसब्री से इंतजार किया था, अपने पति और ससुराल वालों का स्नेह पाने की लालसा रखती थी, जिसने यह सोचकर शादी की कि अब उसके सपने साकार होंगे, मगर उसे क्या पता था कि यह शादी आगे जाकर उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। यह कहानी है संगीता की, जो राजस्थान के कोली की रहने वाली हैं। मैं खुशहाल परिवार की इकलौती बेटी हूँ। मैंने अच्छी एजुकेशन हासिल की है। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। मेरी शादी दिसंबर 2018 में हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी। हम दोनों के परिवार एक दूसरे से पहले काफ़ी बार मिले, फिर ये शादी तय हुई। मेरे पति ने एम्स से डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। मेरे पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई मेरी शादी में लगा दी। मेरी तरह हर लड़की अपनी शादी का सपना देखती है और अच्छे जीवन की कल्पना करती है। संगीता की शादी बड़े धूमधाम से हुई, मगर शादी के तीसरे ही दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी और ना ही कोई लड़की ऐसा सोच सकती है। उसके साथ मैरिटल रेप हुआ। मेरे साथ जो घटना हुई वो शादी के तीसरे दिन से शुरू हुई, जहां मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई। मैं नशे की हालत में थी और मेरे शरीर पर अलग अलग तरह के सेक्स टॉयज का इस्तेमाल किया। न सिर्फ बेरहम तरीके से सेक्स टॉयज का इस्तेमाल किया, बल्कि संगीता के पति ने हिंसात्मक और विभत्स हरकतें भी की, जैसे कि उसके शरीर में परफ्यूम की बोतल डाल देना, जिसका दर्द शब्दों में बयां करना तो असंभव है। वो एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में कोई भी लड़की सोच भी नहीं सकती है कि उसे शादी के बाद इस तरीके के हालातों का सामना करना पड़ सकता है, उसका अपना पति उसके साथ इतना बर्बर हो सकता है। हमारे समाज में मैरिटल रेप को रेप ही नहीं माना जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसे हमारा समाज स्वीकार ही नहीं करता। अगर आप किसी से भी कहोगे कि आपके साथ मैरिटल रेप हुआ है, तो लोग यही कहते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है और आपके पति ने जबरदस्ती आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो ये उसका अधिकार है। जब संगीता के साथ ये पहली बार हुआ और उसने अपनी माँ को बताया, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया वही थी जो सबकी होती है कि वो तुम्हारा पति है, तुम्हारी उससे शादी हुई है, वो कुछ भी कर सकता है, ये उसका लीगल राइट है, इसमें रेप जैसा कुछ नहीं है। जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो आपको लगता है कि अगर और कोई नहीं तो आपका अपना परिवार आपके साथ होगा। बेटियां पिता के बहुत करीब होती हैं। संगीता को भी लगा कि उसके पापा उसका साथ जरूर देंगे, लेकिन उसे उसके परिवार से जो पहली प्रतिक्रिया मिली वो आश्चर्य कर देती है। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले संगीता के पापा ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसके घर वाले भी उस आदमी के साथ खड़े थे जिसने संगीता की ऐसी हालत की थी। संगीता जैसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ मैरिटल रेप हुआ है, और कई ऐसे भी हैं जो इसे आज भी सह रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं। वे अपना दर्द न तो ससुराल में बयां कर सकती हैं और न ही मायके में, और न ही कानून से मदद ले सकती हैं, क्योंकि कानूनी किताब में ऐसे अनसुने अपराधों का कोई जिक्र नहीं है, न ही इसके विरोध में अभी तक कोई कानून बना है, जिस कारणवश हमारे देश की महिलाएं बेबस और बर्जर स्थिति में हैं। आईपीसी की धारा 375 के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे और पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक है, तो उसे दुष्कर्म की नजर से नहीं देखा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल से कम उम्र की लड़कियों पर ही लागू होता है। अभी भी देश में 82% शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं जो पति की मैरिटल रेप की शिकार हैं।
6% शादीशुदा महिलाओं ने जीवन में कभी न कभी इस हिंसा को झेला है। साथ ही देश में 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पति की शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक औरतें इस स्थिति में रहेंगी, कब तक?